दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रीन वॉर रूम 24 घंटे ऑपरेट करेगा। अक्टूबर से फरवरी तक 24 घंटे ये ग्रीन वॉर रूम जो आबो हवा है उस पर निगरानी रखेगा। इस बार 17 सदस्यीय टीम प्रदूषण के स्तर की निगरानी करेगी। 13 हॉटस्पॉट्स हैं जिन पर खास ध्यान दिया जाएगा। साथ ही ग्रीन दिल्ली ऐप पर लोग इस बार भी अपनी शिकायतों को दर्ज करा पाएंगे। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर GRAP सिस्टम लागू हो गया है। जैसे ही दिल्ली में प्रदूषण का जो लेवल है वो बढ़ता है तो अलग अलग कैटेगरी में जो जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो जो प्रतिक्रियाएं बनाई गई हैं, उसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो ग्रीन वॉर रूम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव ने पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय सर। सर बताइए, इस पिछले साल से और इस साल में ग्रीन वॉर रूम में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, ग्रीन वॉर रूम का स्ट्रेंथ इस बार बढ़ा दी गई है, लगभग डबल की गई है। पिछले साल 9 सदस्यीय टीम यहाँ काम कर रही थी, इस बार 17 सदस्यीय टीम काम कर रही है, जिससे कि जो 15 सूत्री एक्शन प्लान दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो किया है उसे जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके और खासतौर से जो हॉट स्पॉट्स हैं उसकी जो है क्लोज मॉनिटरिंग किया जा सके। सर, क्योंकि पराली की समस्या एक ऐसी समस्या जो कई सालों से चली आ रही है, पिछले साल से और इसके पिछले साल से अक्सर ये होता है कि अचानक दिवाली के मौसम के आसपास बहुत ज़्यादा प्रदूषण का लेवल, हर फिर चर्चा होने लगती है कि पराली पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो इस साल क्या आपकी प्लानिंग है पराली को लेकर, इस साल क्या अलग करने वाले हैं और कैसे आप कैसे देखते हैं समस्या? देखिए, दिल्ली के अंदर तो पराली के लिए हम जितने भी धान की खेती होती है 100% जो है वो बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करते हैं। जहाँ तक बाहर के राज्यों से पराली जलने की घटनाएं हैं, उन राज्यों के साथ भी कोऑर्डिनेशन हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ भी इस बार पराली घटनाएं कम हों, जिससे कि दिल्ली के प्रदूषण को और कम किया जा सके। पराली के अलावा और आप सबसे बड़ी चुनौती किसको देखते हैं जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है दिल्ली के प्रदूषण के लिए? अगर हम पराली को हटा दें तो उसके अलावा जो मेजर जो पॉल्यूशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो कंस्ट्रक्शन का है, डस्ट पॉल्यूशन है और व्हीकल पॉल्यूशन है। तो फिलहाल ये था ग्रीन वॉर रूम 2.0 और क्योंकि इससे अब 24 घंटे मॉनिटरिंग होने वाली है तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस साल दिल्ली का प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा कम रहे। नई दिल्ली से प्रखर श्रीवास्तव, NDTV इंडिया।